नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस पार्ट टू। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। अब हम स्टार्ट करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे, आज हम करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सेकेंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, देखो कैसे है। अब इसकी कन्वर्जेंस के लिए मान लो पहले लोअर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी बना रही होती है, तो इसको लिखते हैं लिमिट एप्सिलन टेंस टू जीरो, जीरो प्लस है, ठीक है, और लोअर लिमिट है तो ए प्लस एप्सिलन टू पी वन बाय एक्स माइनस ए डी एक्स। तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब इस टोटल की वैल्यू सोल्व करने के बाद अब ये फाइनाइट आ जाए तब तो क्या है, कन्वर्जेंट। अब वही इनफाइनाइट आ जाए तब ये क्या होता है, डाइवर्जेंट, ठीक है, और ये क्या आ जाए, नॉट यूनिक। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेट्स, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, मान लो लोअर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट बनाती हो जो इनफाइनाइट है, तो इसमें भी वही लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, बट अब अपर लिमिट में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट, वही इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट, और नॉट यूनिक तो ऑसिलेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अपने पास आ जाए जैसे कि 1, 2, 3, 1 बाय x माइनस 2 dx आ जाए। अब इसमें लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं वो भी नहीं बना रही, अपर भी नहीं बनाती है, लेकिन 1 और 3 के बीच में 2 आता है, तो इसको सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, लिमिट नहीं है, सबसे पहले हम लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे। देखो कैसे, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 बाय x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 1 बाय x माइनस 2 dx। अब इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एप्सिलन 1 टेंस टू 0 1 to 2 माइनस एप्सिलन 1 1 बाय x माइनस 2 dx प्लस लिमिट एप्सिलन 2 टेंस टू 0 2 प्लस एप्सिलन 2 to 3 1 बाय x माइनस 2 dx। अब वही है, इसकी टोटल की वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाए तो वही कह देंगे हम कन्वर्जेंट, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट, और नॉट यूनिक है तो ऑसिलेट। तो इस टाइप से देखो हमने क्या पढ़ाया, कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ठीक है, फर्स्ट काइंड भी हो गया और ये क्या है, सेकंड काइंड। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.2, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, देखो लिमिट है 0 to 2 dx बाय x इंटू 2 माइनस x। अब इसमें लोअर लिमिट भी बना रही है और अपर लिमिट भी, लेकिन इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस रूल से, पार्शियल फ्रैक्शन से, जो हमने प्लस टू में सीखा है, लेट 1 बाय x इंटू 2 माइनस x दिस इज इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस बी बाय 2 माइनस x, टेकिंग एलसीएम इधर और फिर एलसीएम कैंसिल, टू माइनस एक्स प्लस
बी इंटू एक्स। अब इसमें फुट करेंगे, एक बार एक्स को जीरो फुट करते हैं तो ए क्या आ जाता है, वन बाय टू, ठीक है, और एक बार एक्स को टू फुट करते हैं तो बी क्या आ जाता है, वन बाय टू। देयर फोर वन बाय एक्स टू माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, वन बाय टू इंटू वन बाय एक्स, वन बाय टू इंटू वन बाय सॉरी वन बाय टू माइनस एक्स। अब लिमिट जीरो से टू है तो ये इंटीग्रल क्या बनेगा, देखो जीरो टू टू वन बाय एक्स इंटू टू माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज वन बाय टू बाहर, जीरो टू टू वन बाय एक्स डी एक्स प्लस वन बाय टू बाहर, जीरो टू टू वन बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। अब जो आई वन है इसको आई वन लिख लिया, चलो इसको आई टू, आई वन में लोअर लिमिट बना रही है इन्फिनिटी और आई टू में अपर लिमिट, तो आई वन आई टू अलग से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई वन के केस में देखो क्या होगा, वन बाय टू जीरो टू टू वन बाय एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं वन बाय टू बाहर लिमिट एप्सिलन टेंस टू जीरो, चलो एप्सिलन वन लिख दिया, जीरो प्लस एप्सिलन वन से टू तक, वन बाय एक्स डी एक्स, वन बाय टू बाहर लिमिट एप्सिलन वन टेंस टू जीरो, लॉग ऑफ एक्स आ गया एप्सिलन वन से टू। अब इसमें क्या है, अपर माइनस लोअर, लॉग टू माइनस के लॉग ऑफ एप्सिलन वन और लिमिट एप्सिलन वन टेंस टू जीरो, जैसे ही जीरो पुट करोगे लॉग जीरो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, दिस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आते ही आई वन क्या हो गया, डाइवर्जेंट है तो आई टू भी, आई टू चाहे कन्वर्जेंट आ जाए चाहे डाइवर्जेंट, टोटल जो सम है आई वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। देयरफॉर दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट देखो क्या है, जीरो टू टू ए वन बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर डी एक्स। अब इसमें जीरो पे भी नहीं है, टू ए पे भी नहीं है, जीरो टू ए के बीच में एक पॉइंट ए आ गया, तो इसको ब्रेक कर लेंगे, जीरो टू ए वन बाय एक्स माइनस ए का स्क्वेयर डी एक्स प्लस ए टू टू ए वन बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट एप्सिलन वन टेंस टू जीरो, जीरो टू ए माइनस एप्सिलन वन, वन बाय एक्स माइनस ए का स्क्वेयर और डी एक्स प्लस लिमिट एप्सिलन टू टेंस टू जीरो, ए प्लस एप्सिलन टू 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 ए वन बाय एक्स माइनस ए का स्क्वेयर डी एक्स। अब इसमें भी क्या है, I1 I2 कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा I1 और दिस इज I2, तो फॉर I1 भाई लिमिट एप्सिलन वन टेंस टू जीरो, जीरो टू ए माइनस एप्सिलन वन, वन बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट एप्सिलन वन टेंस टू जीरो ये होता है माइनस के वन बाय एक्स माइनस ए, जीरो टू ए माइनस एप्सिलन वन। अब क्या आ गया, लिमिट एप्सिलन वन टेंस टू जीरो, पहले ये पुट करेंगे ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस वन बाय एप्सिलन, ठीक है, भी ए माइनस एप्सिलन वन करेंगे ए से ए कैंसिल, माइनस वन बाय एप्सिलन, माइनस के माइनस माइनस प्लस, अब जीरो करोगे तो फिर से माइनस, तो वन बाय ए आ गया है। जैसे ही इसमें जीरो पुट करते हैं ये तो क्या आ गया, इनफाइनाइट, देयर फॉर आई वन क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, तो टोटल भी क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इस टाइप से हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे थर्ड पार्ट में क्या है, जीरो टू वन लॉग एक्स डी एक्स, अब इसमें लॉग वन तो क्या होता है जीरो, लेकिन जीरो पुट करेंगे तो लॉग जीरो क्या होता है, माइनस इन्फिनिट, तो लोअर लिमिट बना रही है, तो लिमिट एप्सिलन टेंस टू जीरो लिख के जीरो प्लस एप्सिलन टू वन लॉग ऑफ एक्स और डी एक्स,
लेकिन इसमें वन से मल्टीप्लाई करके अब फर्स्ट और सेकंड करके तब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। लॉग एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डायरेक्ट वन बाय एक्स सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स और उसका फिर से इंटीग्रेशन एप्सिलन टू वन लिमिट ले लेंगे तो ये आ जाता है एक्स लॉग एक्स माइनस के एक्स एप्सिलन टू वन और लिमिट एप्सिलन टेंस टू जीरो, ठीक है। अब देखो पहले वन पुट करो, वन इंटू लॉग वन माइनस के वन माइनस के एप्सिलन लॉग एप्सिलन और प्लस के एप्सिलन, ठीक है। अब लिमिट हम पुट करेंगे। अच्छा लॉग वन तो क्या होता है, जीरो, एप्सिलन जीरो पुट करोगे ये तो जीरो माइनस वन, एप्सिलन लॉग एप्सिलन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे ही एप्सिलन जीरो करोगे ये सोल्व करके आएगा जीरो और ये जीरो है ही पहले से, सो दिस इज माइनस वन, ये तो क्या आ गया फाइनाइट, तो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट हो गया और कन्वर्जिज टू माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक पार्ट और हम ट्राई कर लेते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, माइनस वन टू वन डी एक्स बाय टू माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि भाई लोअर लिमिट भी बना रही है और अपर लिमिट भी, तो इसको सबसे पहले ब्रेक कर लेंगे, माइनस वन टू जीरो डी एक्स टू माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स के प्लस जीरो टू वन डी एक्स टू माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स के, ठीक है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, लिमिट एप्सिलन वन टेंस टू जीरो माइनस वन प्लस एप्सिलन वन टू जीरो डी एक्स बाय क्या आ जाएगा टू माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस लिमिट एप्सिलन टू टेंस टू जीरो जीरो टू वन माइनस एप्सिलन टू डी एक्स बाय टू माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन तो दोनों में सेम वैल्यू का निकालना है बट लिमिट ही क्या है डिफरेंट है, तो मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। अच्छा इसको तो हम लिख देते हैं स्टार टोटल को, ठीक है, लेट कर लेते हैं जो आई है वो क्या है डी एक्स बाय टू माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका पहले हम इंटीग्रल निकालेंगे और फिर टोटल वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं, अब जो प्लस टू में हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी इंटीग्रेशन की, लास्ट में थर्टीन एक्सरसाइज थी शायद, तो उसमें क्या होता था लीनियर रूट में भी लीनियर तो रूट लीनियर को टी पुट करते थे, या बाहर क्वाड्रेटिक है अंदर रूट में लीनियर है तब भी रूट लीनियर को टी पुट करते थे, ठीक है। अब इस टाइप से थर्ड और फोर्थ रूल था, क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक इस टाइप से आ जाए, बाहर लीनियर है अंदर क्वाड्रेटिक है तो हम पुट करते थे, थर्ड रूल है ये, पुट कर देते हैं जो लीनियर है उसको वन बाय टी, तो इसका मतलब डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाय टी स्क्वेयर हो जाएगा, भाई डी एक्स माइनस के डी एक्स होगा माइनस वन बाय टी स्क्वेयर, माइनस से माइनस कैंसिल ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करके एक्स निकालें, ये माइनस एक्स उधर और ये इधर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू टू माइनस के वन बाय टी, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, आई क्या बनेगा डी एक्स है, ये तो आ जाएगा हमारे पास डी टी
डी टी बाय टी स्क्वेयर। अच्छा वो टू माइनस एक्स क्या है, वन बाय टी, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वेयर क्या है, टू माइनस वन बाय टी का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, ये पहले से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाय टी रूट, वन माइनस फोर होएगा ना, वन माइनस फोर प्लस वन बाय टी स्क्वेयर माइनस के फोर अपॉन टी। देखो क्या बनेगा, डी टी बाय टी वन माइनस फोर, दिस इज माइनस थ्री, माइनस के फोर बाय टी, माइनस माइनस प्लस के लिख देता हूँ, और माइनस के वन बाय टी स्क्वेयर। अब इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस थ्री को मन ले लें, तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस फोर बाय थ्री टी और प्लस के वन बाय थ्री। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, डी टी बाय रूट माइनस थ्री टी स्क्वेयर माइनस फोर बाय थ्री टी और इसका हाफ टू बाय थ्री उसका स्क्वेयर। टू बाय थ्री इसका स्क्वेयर क्या हो गया, फोर बाय नाइन एड और फोर बाय नाइन सब्ट्रैक्ट प्लस के वन बाय थ्री। ठीक है, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, डी टी बाय माइनस के थ्री, ये बन गया टी माइनस टू बाय थ्री का होल स्क्वेयर, और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस वन बाय नाइन और बाहर माइनस थ्री है प्लस ये बच जाएगा प्लस के थ्री बाय नाइन। ठीक है, अब थ्री को तो बाहर को मले जाते हैं, वन बाय रूट थ्री डी टी, अंदर क्या बचेगा, दिस इज वन बाय थ्री का स्क्वेयर माइनस के टी माइनस टू बाय थ्री का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसका कैसे होता है इंटीग्रेशन, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए टी माइनस टू बाय थ्री अपॉन में वन बाय थ्री। ठीक है, तो एलसीएम लेकर कैंसिल करोगे तो वन बाय रूट थ्री साइन इनवर्स थ्री टी माइनस टू। ठीक है, वन बाय रूट थ्री साइन इनवर्स थ्री टी माइनस टू आ जाता है। तो ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई है उसको अब हम पुट करते हैं। तो देखो जो माइनस वन टू वन डी एक्स बाय टू माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या आती है, लिमिट एप्सिलॉन वन टेंस टू जीरो वन बाय रूट थ्री साइन इनवर्स थ्री टी माइनस टू, और ये आ जाता है अच्छा जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, एक्स जीरो है, एक्स जीरो पुट करोगे तो टी क्या आ जाता है, देखो मैं एक बार यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ।
टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो आ जाती है 1/2 - x, तो x टेंड्स टू 0 तो टी टेंड्स टू 1/2 ये आ जाता है। और x टेंड्स टू जैसे -1 + ε 1 लिखोगे तो टी टेंड्स टू 1/3 - ε 1, और x टेंड्स टू 1 - ε 2 लिखोगे तो टी टेंड्स टू 1/1 + ε 2, ये जो लिमिट्स है ये इसमें पुट करेंगे। तो 1/3 - ε 1 से 1/2, और प्लस लिमिट ε 2 टेंड्स टू 0 किया 1/√3, साइन इनवर्स 3t - 2, और लिमिट क्या है ये 1/2 टू 1/1 + ε 2। ठीक है, तो पहले अपर और फिर माइनस के लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो 1/√3 तो बाहर है, 1/2 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 3/2 - 2, दिस इज माइनस के 1/2। ठीक है, माइनस के क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/3 - ε 1 - 2, और इसमें लिमिट ε 1 टेंड्स टू 0, और प्लस में लिमिट ε 2 टेंड्स टू 0, यहाँ जाता है साइन इनवर्स 3/1 + ε 2 - k 2, और माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, अब देखो 1/√3, अच्छा 1/√3 तो इसके बाहर भी है, जब जैसे ही 0 पुट करोगे, अच्छा साइन इनवर्स -1/2 -1/2 माइनस के, यहाँ जैसे ही 0 पुट किया 3 से 3 कैंसिल 1 1 - 2 क्या हो गया -1, साइन इनवर्स -1 प्लस √1/√3, दोनों से ही कॉमन ले लेते हैं। अब ε 2 0 करोगे तो 3 - 2 क्या हो गया 1, दिस इज साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2, अब ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच जाता है, 1/√3 माइनस के साइन इनवर्स -1 माइनस के π/2 प्लस के साइन इनवर्स 1 क्या है π/2, π/2 + π/2 2π/2, दिस इज पाई, तो दिस इज π/√3, तो ये तो क्या आ गई फाइनाइट वैल्यू। देयर फोर जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, दिस इज कन्वर्जिज टू π/√3। ठीक है, तो इस टाइप से जो कन्वर्जेंस है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकेंड काइंड की, उसके क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट होती है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।